भारत अलौकिक सुंदरता और अद्भुत संस्कृति की मिसाल पेश करता एक ऐसा देश है जहां कई रंग अपनी छटा एक साथ बिखेरते हैं। यहां जो हस्तकलाएं दिखती हैं उनका कोई मोल नहीं, वो अनमोल हैं। ऐसी ही एक महत्वपूर्ण कला है गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के मैदान में बसे बिहार में। बिहार की संस्कृति आज भी गांवों और शहरों का है। मधुबनी बिहार का एक प्रमुख जिला है जो मिथिला संस्कृति की पहचान पेश करता है। मैथिली में शहद की मिठास प्रतीत होती है और यहाँ की अनोखी कलाओं में भी यही मिठास भरी दिखती है, जैसे सिक्की कला। पहले मैं बता दूं कि सिक्की घास, ग्रास का मतलब घास होता है और ये यहाँ ट्रेडिशनल ही कहिए, ये बहुत बहुत जमाने से जहाँ वाटर लॉगिंग पानी लगता है या ऊंचे जगह पे जैसे रेलवे ट्रैक के अगल बगल काफ़ी मात्रा में मिलता है, अभी भी मिलता है। और चूंकि ये घास है इसलिए शुद्ध होता है। और मेरे मिथिला का परंपरा है कि जब भी यहाँ बेटी की शादी होती है तो उसमें जनेऊ या सुपारी ड्राई फ्रूट उसमें बॉक्स में डाल के दिया जाता रहा, तो ये सदियों सदियों से होता आ रहा है। इसका इतिहास बताना मुश्किल है, जब से मिथिला है, मिथिला क्षेत्र है, मिथिला के लोग हैं, तब से ये बनता आ रहा है। सिक्की में तो जैसे कि डलिया हो गया, इसका बॉक्स हो गया, फूल तोड़ने के लिए हो गया, वॉल हैंगिंग के लिए हम लोग बनाते हैं, देवी देवताओं की मूर्ति बनाते हैं, प्लेट बनाते हैं, रोटी के लिए बॉक्स बनाते हैं, ड्राई फ्रूट्स रखने के लिए प्लेट बनाते हैं, तो बहुत सारा यूजफुल और डेकोरेटिव आइटम हम लोग बनाते हैं। मधुबनी की सिक्की कला बिहार की प्राचीन कलाओं में से एक है। यह कला हस्तशिल्प के विशिष्ट सौंदर्य का प्रतीक है। सिक्की कला में सिक्की घास के साथ मूंज और खर का इस्तेमाल भी किया जाता है। इससे बनने वाली कलात्मक वस्तुओं को सिक्की कला का नाम मिला। सजावट के सामान और कई दूसरी वस्तुएं जब सिक्की कला का रूप लेती हैं तो दूसरी कलाएं भी पीछे छूट जाती हैं। खिलौने, मूर्ति, गुलदस्ता, फूलदान, स्टैंड, कुशन, हाथों का पंखा, डिब्बा, बिछौना और इसके अलावा कानों की बाली, चूड़ी, अंगूठी जैसी चीजों में सिक्की कला के रंग दिखते हैं। हस्तशिल्प कलाकारों के जरिए घरेलू सजावट और उपयोग में इस्तेमाल होने वाली वस्तुएं जब भी बाजार में मौजूदगी दर्ज कराती हैं तो ग्राहकों के जरिए बेहद पसंद की जाती हैं। सिक्का मोनी बना लेते हैं, अभी कलर वगैरह सब कुछ कर लेते हैं। वो लोग आती थी सिखाने के लिए, पहले बनाने में तो बहुत अच्छा लगता है लेकिन बिकता तो और भी अच्छा लगता है, बिकता नहीं है। आगे बढ़ने में कोई भी चीज अगर आगे बढ़ता है तो अच्छा लगता है। वही शोकेस में रखती हूँ, टीवी के पास वगैरह वगैरह, क्या करूँ, बिकेगा तभी तो ज्यादा बनाऊंगी, कोई अगल बगल का ले ले वही बहुत होता है, क्या करूँ, ज्यादा पैसा होगा तभी तो कुछ कर पाऊंगी, इधर उधर खर्च हो जाता है। इसमें आगे बढ़ने की इच्छा रखती हूँ, आगे बढ़ पाऊँ तो और भी अच्छा होता। ग्रामीण इलाकों में रहने वाले परिवार सिक्की घास, मूंज घास और खर से विभिन्न तरह के सामान बनाकर बाजारों में बेचते हैं ताकि जिंदगी गुजर बसर की जा सके। सिक्की घास को कारीगर इतनी बखूबी कलात्मक रूप देते हैं कि इनसे बनने वाली तरह तरह की वस्तुएं हर किसी को आकर्षित करती हैं। जब भी हस्तशिल्प कलाकारी का जिक्र होता है तो सिक्की कला को एक महत्वपूर्ण स्थान मिलता है। चलती उंगलियां सिक्की पर कुछ इस तरह जादू करती हैं कि सिक्की का सिक्का बोलता नजर आता है। और सबसे अहम बात तो ये है कि ये कला ज्यादातर महिलाओं के जरिए ही अपने वजूद को संभाले हुए हैं। तो हमारे दादी माँ वो सब बनाती सिक्की, तो सिक्की हम बनाते बच्चे से, बीच में कुछ कमी हो गया सिक्की, कहते उतना मार्केट में नहीं उनको चलती है इसलिए लोग कम बनाते हैं, रॉ मटेरियल नहीं मिलता है उसको इसलिए नहीं लोग बनाते हैं। मिथिलांचल क्षेत्र में सिक्की कला अब कुटीर उद्योग की शक्ल में दिखती है। विशिष्ट सौंदर्य और उपयोग में आने के कारण सिक्की कला लोकप्रिय है। हस्तशिल्प कलाकारों के मुताबिक सिक्की कला को ग्रामीण अंचलों के मुकाबले शहरी इलाकों में ज्यादा पसंद करते हैं और सिक्की कला से निर्मित अनेक वस्तुओं की चाहत ग्राहकों में दिखती है। सबसे ज्यादा बिका तो लुधियाना में, राजस्थान में, उस सब जगह बहुत ज्यादा बिका था। मोल भाव तो करवे करते हैं, बिना मोल भाव का तो कोई सामान बिक्री नहीं करता है। गुस्सा क्यों आएगा, गुस्सा आएगा तो सामान ही नहीं बिकेगा ना।
तो ग्राहक को लोग प्रेम से ना थोड़ा बहुत बिका, थोड़ा बहुत लेके घर आ गए। घूमने का भी मौका मिल जाता है और सामान भी बेच लिए, घूम फिर लिए। इसको हमको करना चाहते हैं और आगे जाना चाहते हैं, और कई जगह गए भी हैं, लुधियाना गए हैं, राजस्थान गए हैं, यहाँ बनारस में लगा था, इलाहाबाद में लगा था, पुणे गए हैं, बहुत जगह गए हैं, बहुत तारीफ करते हैं। बिहार की संस्कृति, यहाँ का प्राचीन इतिहास बहुत समृद्ध रहा है। यहाँ के मधुबनी की मशहूर कला सिक्की ये दर्शाती है कि यहाँ योग्यताओं की कोई कमी नहीं। इन हाथों की उंगलियां कागजों या कंप्यूटर पर भी भले ही ना चल पाती हों, लेकिन जब सिक्की घास पर चलती हैं, तो इनका कोई मुकाबला नहीं कर पाता। हस्तशिल्प का ये अनूठा सौंदर्य वास्तव में इनकी मजबूरी से पनपा है। रोजगार का कोई और साधन ना हो पाने की वजह से ये कला जिंदा है। हालांकि कहीं भी सिक्की कला पर आर्थिक विषमताओं की छाप नहीं दिखती। पढ़ाई करते हैं और कांटा वाला से काम करते हैं, कुरुस वाला काम करते हैं और हाथ वाला काम करते हैं। सिक्की से चंगेरी बनाते हैं और पंखा बनाते हैं। चंगेरी मतलब रोटी वोटी रखें, माँ लोग और बगल वाली भी बिने उसी से सीख ली। पहले तो मुश्किल था, अब सीख लिए तो अब कोई कुछ नहीं। सुनहरे रंग वाले खूबसूरत सिक्की घास चमकदार होती है, जिसकी वजह से वो बेहद आकर्षक दिखती है। हस्तशिल्प कलाकार साल भर के इस्तेमाल के लिए इसे संरक्षित कर लेते हैं, क्योंकि ये बारिश के बाद सिर्फ एक बार ही बड़ी तादाद में उगती है और उसी वक्त इसे काट कर संभाल लिया जाता है। बिना एक दिन में होता है, डलिया दो से तीन दिन में, क्या उसका बीनना पड़ता है, फूल काटना पड़ता है, फिर भरना पड़ता है, सिक्की को भी रगना पड़ता है, हाथ दुखाता है, आंख पर दर्द पड़ता है, दुखाने लगता है। बिकते हैं तो बेचते हैं, तो घर में रखते हैं। बिकने में भी तो नहीं कोई आ नहीं रही है, सब आजकल फैशन का चीज है, बर्तन वर्तन किन कर सिक्की आप बेसी यूज नहीं कर रहे हैं। भारी बारिश के बाद मधुबनी के ग्रामीण इलाकों में रहने वालों की जिंदगी थम जाती है, बुनियादी सुविधाएं भी अमूमन साथ छोड़ देती हैं। लेकिन सिक्की घास के उगने की ख्वाहिश जहन में सुकून भर देती है और फिर बाद में सिक्की कला से बने सामान बाजार में बिकने को आते हैं। इस तरह के सामान बनाने में उस्ताद ये महिलाएं शायद ये तक नहीं जानती कि इनकी कलाकारी के कद्रदानों की कोई कमी नहीं। विभिन्न आकृतियों में ढली सिक्की कला में महिलाओं का योगदान ज्यादा है। सिक्की कला जब भी आंखों के सामने आती है तो नजरें टिक जाती हैं। इसे बनाने की प्रक्रिया कुछ खास चरणों में बटी हुई है। हम पहले गए जहाँ की घास होता है, उस घास में से उस सिक्की को हम निकालते हैं। क्योंकि नेचुरल सिक्की जो होता है ना, उसको जब हम पेड़ से निकालते हैं तो इसका जो ओरिजिनल डंडल होता है लगभग वो 2 से 2.5 फीट का निकलता है। उसको हम ठीक बीचों बीच चीर देते हैं चाकू से या ब्लेड से। पहले तो हम लोग दांत से ही उसको चीर देते थे। यही सिक्की घास है। अब ये देखिए कितना लंबा है, इसका जो ये भाग हुआ इसे हम सिक्की कहते हैं। जो इसका जो ऊपर का भाग है उसको हटाए, अब ये ओरिजिनल सिक्की निकला, यहाँ से इसको तोड़ दिए, ठीक है। उसको फिर हम लोग धूप में सुखाते हैं। धूप में सुखा दिए तो इसका लाइफ इतना है कि हम लोग कल्पना 100 वर्ष 200 वर्ष का लाइफ होता है अगर ठीक से रखे तो। यदि हमको कलर करना होता है तो हम लोग नेचुरल कलर बनाते हैं। जैसे पीला करना हो तो हल्दी को गर्म करते हैं, उसमें हम लोग गोंद बबूल का जो लस्सा निकलता है या दूध उसको डाल देते हैं ताकि वो सस्टेन कर पाते हैं। आधा घंटा गर्म करने के बाद उसमें वही उजला पीले सिक्की को डाल देते हैं, आधा घंटा फिर गर्म करते हैं तो वो नेचुरल वो पीला कलर हो गया। काला करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उस दीप का जो काला काला भाग निकलता है ऊपर उससे कर लेते हैं। सबसे पहले सिक्की घास का बीच का हिस्सा निकाला जाता है, फिर इसे चीर लिया जाता है और उसके बाद सिक्की घास को उबलते पानी में डालकर कई रंगों में रंगने का काम किया जाता है। कलाकार पहले से ही तय कर लेते हैं कि कौन कौन रंगों में सिक्की घास को तब्दील करना है। जब सिक्की घास अच्छी तरह रंग जाती है तो हस्तशिल्प कलाकार लोहे की मोटी सुई जिसे टकुआ कहा जाता है उससे इसकी पकड़ बनाते हुए काम में लग जाते हैं।
इसके अलावा छुरी और कैंची का सहारा लेकर भी रंगीन घास को विभिन्न आकृतियों में ढालने का काम शुरू होता है। महिलाएं सिक्की घास को एक दूसरे के साथ इस तरह जोड़ती हैं कि मजबूती बनी रहती है और कला भी खिलकर सामने आती है। रंग बिरंगी घास को हस्तशिल्प कलाकार जब एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं तो इस बात का खास ख्याल रखते हैं कि रंगों का मिलाप बेहद सफाई से हो और तैयार होने के बाद भी उनकी कला में ये साफ दिखता रहे। सिक्की कला इनके रग रग में इस कदर समा चुकी है कि इसे बनाते वक्त ये अपनी दिल की बातें भी एक दूसरे के साथ बांटना नहीं भूलते। 100 तकलीफों के बावजूद हंसते मुस्कुराते ये रंग बिरंगे साजो सामान बखूबी तैयार कर लेते हैं। इन हाथों से तैयार सिक्की घास की कला अपनी रंगत बिखेरने को तैयार है। शायद ही कोई आकृति इनसे छूटती है। सजावट के सामान से लेकर और दिनचर्या में इस्तेमाल होने वाली चीजों का बनना इस कला की सबसे बड़ी विशेषता है। इन कलाकारों को कोई प्रशिक्षण नहीं दिया जाता। जिंदगी की गाड़ी चलनी है, इसलिए पीढ़ी दर पीढ़ी जो चला आ रहा है उसे अपनाते गए और यह कला फलती फूलती गई। पर कितनी भी बारीकी से इनका काम देख लें, कमी की बजाय खूबसूरती ही नजर आती है। बहुत अच्छा भी नहीं देता, लोग देखेगा अच्छा तो खरीद लेंगे। मतलब सिक्की को बीनते बीनते हुए तो लोग देखते हैं, पसंद करते हैं तो दूसरा आदमी खरीद लेते हैं तो हमको अच्छा लगेगा। सिक्की घास से निर्मित वस्तुओं की कई विशेषताएं हैं। इन वस्तुओं पर मौसम का कोई असर नहीं पड़ता, ये पर्यावरण के अनुकूल होती हैं। कांच या बाकी मेटल से बने सामानों का जितना ध्यान रखना पड़ता है उसके मुकाबले सिक्की घास बेहतर मानी जाती है। धरती से जन्मी, नजरों में आई और फिर हाथों ने ऐसा हुनर दिखाया मानो सिक्की घास की कला में ही सारा संसार समाया। पत्थिया बनाते हैं, बेना भी बनाते हैं और बहुत सी चीज होता है उससे बनाते हैं। बहन कलर किया, वो बच्ची वो भी बनाते हैं। वो मेरे देखे ना तो मेरे देखते देखते वो पर्दा भी बीनते हैं, वो भी बनाते, फिर पढ़ भी बीनते हैं। पांचवी क्लास में पढ़ती हैं। अपना दिमाग से जो होता है, जो और दूसरा कलर से डिजाइन उजन होता है, सो अपना दिमाग लगा कर जो चीज होगा, नौकरी होगा तो नौकरी करेंगे, नहीं होगा तो सिक्की काम होगा तो वो भी कर सकते हैं। बिहार के मधुबनी में जिंदगी की सही मायनों की तस्वीर नजर आती है। चित्रकला और सिक्की घास के लिए मशहूर मधुबनी के लोगों का रहन सहन बहुत सादा है। कठिनाइयों के बावजूद संस्कृति के प्रति अपार निष्ठा है। जब जिंदगी का पहिया थमने लगता है तो इसे चलाने के लिए जद्दोजहद और रफ्तार पकड़ लेती है। सिक्की घास की कला इसी का उदाहरण है। महिलाएं जानती हैं कि सिर्फ पुरुषों की कमाई से घर खर्च नहीं चल पाता, ऐसे में हाथ बटाने के लिए वो ये सिक्की घास की कला को अपना लेती हैं। लेकिन ये घास सिर्फ भारी बारिश के बाद उगती है और अफसोसजनक ये है कि इस सीजनल कच्चे माल के स्टॉक या रख रखाव के लिए इन कलाकारों की मदद किसी स्तर पर नहीं होती, क्योंकि जो फायदा सीधे तौर पर सिक्की कला से इन हस्तशिल्प कलाकारों को होना चाहिए वो हक इनके नसीब में नहीं आ पाता। अभी ये तो नहीं सोचेंगे किस तरह के, जो भी मिलेगा मैं कर पा लूंगी, इतना है जो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ और कर लूंगी। इच्छा है जो सिखा दूं और अपने भी आगे बढ़ूं, दूसरे भी आगे बढ़ सके। अगर आगे बढ़ पाएंगे तो क्यों नहीं बिकेगा, अगर कोई बढ़ाने वाला हो आगे जाऊं तो फिर बिकेगा ही। हाँ, वो भी इच्छा है जो आगे कोई भी रोजगार मिल जाए तो कर लूंगी। एक लड़का एक लड़की, अभी तो छोटा है, पहले पढ़ेगी लिखेगी फिर आगे बढ़ पाएगी ना, इतना तो नहीं सोचूं, लेकिन सोचूं जो हम नहीं कर पाए वो मेरे बच्चे करके दिखाए। पढ़ी तो 10वीं तक पढ़ी हूँ। आगे पढ़ने के लिए तो उतना जितना भी चाहिए, अगर हम नहीं भी पढ़ पाए तो अच्छा, लेकिन अपना बच्चा को पढ़ा लिखा के आगे बढ़ा देंगे, यही सोच है। सिक्की घास कला को आज सरकारी सहायता और संरक्षण की जरूरत है। हालांकि हिंदुस्तान में सिक्की घास के कदरदान कम नहीं, लेकिन अब तक इस कला को कोई बड़ा बाजार नहीं मिला, जिसकी वजह से इसका दायरा सीमित ही है।
कलाकारों को संरक्षण की दरकार है। व्यावसायिक तौर पर भी वो बड़ा बाजार चाहते हैं, लेकिन सिक्की घास की कला के प्रति उदासीनता इस कला का दम घोंट रही है। बाजार में पहले से ही कई चुनौतियां मौजूद हैं। ऐसे में सिक्की घास की कला का अनदेखी का शिकार होना इस कला के लिए सबसे बड़ा खतरा है। हाँ, बहुत लोग छोड़ दिया, गांव घर के था वो छोड़ दिया। उसको कारण हुआ जो तुरंत बनाकर तुरंत तो नहीं सेल हो जाता है, किसी दिन घर में रहता है तो उन लोग को हुआ जो हमको तुरंत बिक जाए, तुरंत पैसा हो जाए, इसीलिए छोड़ दिए। जैसे पेंटिंग बनाते हैं लोग ऐसे मुड़ी झुकाकर तो दिमाग पर पड़ते हैं। बेहतर वही हुआ जो देश विदेश न चल गया हमारा। सेप्टेम्बर में गए थे वहाँ प्रगति मैदान दिल्ली, एक मास पर आए हैं वहाँ से, एक मास को वहाँ मिलता है तो वहाँ बहुत कलाकार है, नंबर लगाने पड़ता है वहाँ। तो जब नंबर आ जाता है तो 15 साल पर हमको नंबर मिला था वहाँ। 2000 में गए थे, फिर इस बार 15 में गए थे। इन हस्तशिल्प कलाकारों की कलाकारी को हर कोई अपनी जिंदगी का हिस्सा तो बनाना चाहता है, लेकिन इन्हें न पहले सही पारिश्रमिक मिल पाया और न अब मिल पा रहा है। कड़ी मेहनत का रंग सिक्की घास पर तो दिखता है, लेकिन इनकी कमाई पर नजर नहीं आता। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए ये कला उनका सहारा तो बनती है, लेकिन वरदान साबित नहीं हो पाती। इसके अलावा सिक्की घास के उत्पादन में होने वाली कमी भी इन कलाकारों की जिंदगी में चुनौती भर रही है। समस्या कुछ नहीं आती, अब हुआ जो अब कहीं बिका नहीं, कहीं गए तो वहाँ नहीं बिका तो थोड़ा बहुत तो होता है, और समस्या कुछ नहीं। जैसे और सब करती है, उसका नहीं बिकता है, घर में बना के रखती है तो क्या करेगी, रख के तो उसको मन नहीं लगेगा, मिला जुला के ना परिवार चलता है, बचत के बिना काम करने मन भी नहीं लगेगा ना। सपना तो और कुछ नहीं हो, बाल बच्चा से बन जाए वही सपना है, और कुछ नहीं अपना सपना। और आप लोग अगर सहयोग करेंगे तो और आगे जाएगा काम। सिक्की घास का अपना एक अलग वजूद है, इसकी खासियत समझने वाले इसे खरीदने में हमेशा इच्छुक रहते हैं, और जिनकी नजर एक बार इस पर पड़ जाए तो वो पीछे नहीं हटते। लेकिन अब तक तो बिहार में ही इस कला को वो मजबूती नहीं मिल पाई जिसकी ये हकदार है, तो निर्यात का दायरा कैसे फैलाया जाए? जाहिर सी बात है, जितने ज्यादा खरीदार या निर्यात का पैमाना होगा उतना ही फायदा इन कलाकारों को भी मिलेगा। इसका मार्केट बढ़ रहा है और बढ़ेगा भी, विदेश में काफी इसकी संभावनाएं हैं, फ्यूचर अधिक है। सिर्फ सरकार को थोड़ा प्रयास करने की जरूरत है, क्योंकि एक व्यक्ति इतना प्रयास नहीं कर सकता। सरकार के पास जितनी मशीनरी है, और हम आपके माध्यम से सरकार से भी अपील करते हैं कि जो भी रूरल हैंडीक्राफ्ट है हमारे इंडिया में, बहुत डिमांड है, बहुत रोजगार की संभावनाएं हैं अगर इस पे बढ़िया से काम हो तो। लेकिन वर्तमान में क्या हुआ है, लगभग 10 साल पहले इसमें इतने तेजी से गिरावट आया। इसका एक दो कारण है कि चूंकि लोगों को दो पैसा मिलेगा तभी कोई काम करे, तो ये खरीदारी पता नहीं किस स्तर पे धीरे 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 कम होते चला गया। तो अगर हम एग्जीबिशन में गए और बिक गया तब तो मनोबल बढ़ा, और नहीं बिका तब तो 20,000-15,000 खर्चा हुआ, और एक बार खर्चा हुआ नहीं बिका तो फिर दोबारा लोग जाने का नाम नहीं लेते। प्रकृति की देन से बनती सिक्की घास पूछ रही है ये सवाल, क्या मेरे अस्तित्व को बचाने की कोशिश का कर रहा है कोई ख्याल? हाँ, दो बार हमको मिला है केंद्र सरकार से, 95-96 में, जब हम एक साल सिखाए 10-10 आदमी को तो सरकार सब कुछ दिया, रॉ मेटेरियल दिया, वो विद्यार्थी लोग को मिला पैसा, हमको मिला पैसा। कलाओं का धनी बिहार एक ओर अपने विकास की राह पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं इन कलाओं को जिंदा रखने वाले कलाकार आश्रय की तलाश में हैं। सिक्की घास जैसी अनेक कलाओं का हाथ थामने के लिए कारोबारी और ग्राहक तैयार रहते हैं, लेकिन जरूरी है कि उन कारीगरों का भी हाथ थामा जाए जो इनके जनक हैं। बाहर में कुछ चाहिए वही के ना, क्यों सहयोग चाहिए, सहयोग वाला क्यों ने तो बाहर के ना बिक्री होती, देख कर फिर बना ले के। लेकिन वही के पूंजी चाहिए, वो तरह के संस्था हेबा के चाहिए, वही तरह के वो अति उपयोगी हेतु तो बना सके छी। क्या बोलते, पढ़ाई लोग भूल, पढ़ाई तो नहीं भूल,
पढ़े छे आ पढ़त पढ़त लोग कते आगा बढ़ जाए छे सैयो सब चीज भेले दीना छल बन झाझड़ आई बन हरियर रे ललना रे रानी जी के भेला जरीरो पान राजा मान हरियर रे कोन नक्षत्र के सफूजल कोन नहाओल रे। भारत में कला और कलाकार की संवेदनशीलता को हमेशा सराहा गया है और शायद इसीलिए दस्तकार, हस्तशिल्पकार, बुनकर, कारीगर आज भी अपनी हाथ की लकीरों पर विश्वास करते हैं।